राज्य विश्वविद्यालय में 31 अगस्त तक जारी रहेगा परीक्षा परिणाम, पूरा हो गया मूल्यांकन का काम। पीएमओ को भेजी शिकायतें सीधे विभागों तक पहुंचेंगी, आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ तैयार कर रहे ऐसा पोर्टल। प्रयागराज शहर कांग्रेस की कलह सुलझाएंगे लल्लू, श्री चंद दुबे को निलंबित करने का मामला गरमाया। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी के विरुद्ध चल रहे मुकदमे और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता के खिलाफ कायम एक मुकदमे में आरोप तय। हाईवे जाम करने के मामले में रामपुर सांसद आजम खां के वकील ने दाखिल की आपत्ति, अब 4 सितंबर को होगी सुनवाई। योगी पर ठाकरे के पुराने बयान से मचा सियासी बवाल, सफाई में संजय रावत ने दिया जवाब। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरी करने में सहायक सिद्ध होगी नई शिक्षा नीति, बोले राष्ट्रपति कोविंद। मिशन 2022 में गोरखपुर से ही आगाज करेंगे पीएम मोदी, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से मांगेंगे जीत का आशीर्वाद। तीन महिलाओं सहित 9 गिरफ्तार, मऊ में गोरखपुर बिहार की एसटीएफ ने पुलिस के साथ मारा छापा, मास्टरमाइंड अभी भी फरार। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, सबसे ज्यादा 19% पॉजिटिव रेट, आंकड़ों से समझिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।